बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर रोज़ नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन मंदी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। मटन मंदी बनाने के लिए आप चाहें तो बकरे का रान का गोश्त ले लें या फिर पुट का गोश्त ले लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर कचरी पाउडर ऐड कर देंगे। कचरी पाउडर को हम अच्छी तरह से हाथ की मदद से लगा देंगे। इसकी मदद से गोश्त जल्दी टेंडर हो जाता है। अब हम कढ़ाई में जैतून का तेल ऐड करेंगे। इसमें दो मीडियम साइज के प्याज ऐड करेंगे और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसकी एक दो मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मटन के पीसेस ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। कवर कर देंगे। अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना शुरू कर दिया है। इसको तब तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। इसको पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुका है। अब हम मटन के पीसेस को निकाल लेंगे और जो हमारे पास यखनी है उसमें हम चावल बॉईल करेंगे। और ये हमारे पास साबुत मसाले हैं, जिसमें जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्चें, बादियान का फूल, हरी छोटी इलायची, इनको हम पीस लेंगे। यखनी में हम चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने पहले भिगो दिए थे, उनका पानी हमने निकाल दिया। अब यखनी में बॉईल आ रहा है, इसमें हमने चावल ऐड कर दिए हैं। यखनी हमारी कम थी इसलिए हमने इसमें 1 कप पानी और ऐड किया। अगर आपकी यखनी ज़्यादा हो तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने इसमें जो मसाले पीसे थे वो ऐड कर दिए हैं और इसके अलावा बादियान का फूल, लौंग और दालचीनी ऐड कर दी है। जब चावलों में पानी कम रह जाएगा तब हम इसको लो फ्लेम पर दम पे लगा देंगे। चावल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे।
इसके अलावा नारियल की गिरी ऐड करेंगे और बादाम ऐड करेंगे। बादाम को हमने भिगो दिया और इनका छिलका उतार दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार मटन मंदी है, बहुत मज़े का टेस्ट है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।